जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्यूब टॉक। दोस्तों आज है संडे और संडे स्पेशल ओटीटी अपडेट लेकर मैं हाजिर हूं, जहां पर आपको जो भी नई ओटीटी की अपडेट्स मेरे पास आई हैं वो शेयर करने जा रहा हूं। इसे जानने के लिए वीडियो को पूरा सुन लेना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी अपडेट्स मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं। और आज मेरा वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि दिवाली की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और मार्केट आना जाना पड़ता है, और इसी के साथ कुछ पार्टीज वगैरह भी चालू हो चुकी हैं, तो मेरा अटायर भी आपको काफी देसी नजर आ रहा होगा। इस वजह से दोस्तों ओटीटी अपडेट वीडियो लाने में या जनरल अपडेट वीडियो लाने में थोड़ी सी देर जरूर हो रही है, लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं आपको एक नई अपडेट हमेशा प्रोवाइड करता रहता हूं। तो आइए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू, और सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ कन्फर्म्ड रिलीजेस की। तो दोस्तों इंडियाना जोन्स द डायल्स ऑफ डेस्टिनी, इंडियाना जोन्स 5, इसे कन्फर्म कर दिया गया है। तो जो मेरे भाई इंडियाना जोन्स हिंदी डब्ड लैंग्वेज को ढूंढ रहे थे, उनके लिए मैं बता दूं कि अब डिस्नी प्लस हॉटस्टार ने इसकी अनाउंसमेंट कर दी है। मैंने आपको एक महीना पहले ही बताया था कि ये नवंबर के एंड में रिलीज होगी, बस थोड़ी सी डिले हो गई है, और इसकी डेट रखी गई है 1 दिसंबर, यानी 1 दिसंबर को इंडियाना जोन्स मूवी हिंदी डब लैंग्वेज में डिस्नी प्लस हॉटस्टार इंडिया पे आपको रिलीज होके देखने को मिल जाएगी। और जो लोग इंडियाना जोन्स की जो सीक्वेंसेस है उनके फैन है, उनको इसे देखने में काफी मजा आएगा, क्योंकि मूवी डिसेंट है। और दोस्तों अब इसका फाइनल कंफर्मेशन आ चुका है, इंडियाना जोन्स हिंदी 1 दिसंबर। इसके अलावा दोस्तों जो लोग इंतजार कर रहे थे सयामी खेर और अभिषेक बच्चन की मूवी घूमर का, उनके लिए अच्छी खबर आ चुकी है, क्योंकि घूमर की रिलीज डेट फाइनलाइज कर दी है Z5 के प्लेटफॉर्म ने। जी हाँ दोस्तों, घूमर एक कमिंग ऑफ एज स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी है, जहां कहानी आपको देखने को मिलेगी एक ऐसी इंस्पिरेशन की, जहां पे एक लड़की अपना हाथ खो देती है फिर भी कैसे वो टीम में वापसी करती है, और इसे अब Z5 के प्लेटफॉर्म पे दोस्तों 10 नवंबर 10 नवंबर को रिलीज किया जाएगा, यानी इसी हफ्ते आपको अब घूमर मूवी देखने को मिलेगी Z5 के प्लेटफॉर्म पे। इसके साथ साथ दोस्तों ईशान खट्टर और मृणाल ठाकुर की मूवी पीपा, जिसे पहले रिलीज होना था सिनेमाज में, अब इसे सिनेमा से स्किप करके डायरेक्ट ओटीटी रिलीज दे दिया गया है। मूवी रिलीज होने जा रही है Amazon Prime के प्लेटफॉर्म पे, और ये भी बता दूं कि एक वॉर ड्रामा मूवी है, जिसमें आपको ईशान खट्टर एक डिफरेंट कैरेक्टर में नजर आएंगे। और दोस्तों यहां पर इस मूवी को 10 नवंबर यानी इसी हफ्ते 10 नवंबर को रिलीज कर दिया जाएगा Amazon Prime के ऊपर, डायरेक्ट रिलीज यानी कि सिनेमा रिलीज ये स्किप कर गई है। इसके साथ दोस्तों फुकरे मूवी का जो लोग इंतजार कर रहे हैं, इससे रिलेटेड एक अच्छी अपडेट निकलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि फुकरे मूवी जहां सिनेमाज में अपना रन ऑलमोस्ट फिनिश करने वाली है, वहीं दोस्तों इसकी रिलीज डेट की एक मीडिया हाउस से कंफर्म खबर आ चुकी है कि इस मूवी को 23 या 24 नवंबर को रिलीज किया जा रहा है Amazon Prime के प्लेटफॉर्म पे। तो यानी आप फुकरे के अगर फैन थे और फुकरे 3 का इंतजार कर रहे थे, तो ये इसी महीने की 24 तारीख के आसपास आपको Amazon Prime Video के प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, ये मुझे अपडेट निकल कर आ चुकी है। इसके अलावा दोस्तों आप में से काफी सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं द केरला स्टोरी के रिलीज की, तो मैं आपको बता दूं कि द केरला स्टोरी मूवी का ओटीटी रिलीज इसलिए फिलहाल डिले हो गया है, क्योंकि कुछ फिल्म फेस्टिवल्स में इसको री रिलीज किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनली कुछ ऐसे फिल्म फेस्टिवल्स चल रहे हैं जहां पर ये मूवी अप्रूव हो चुकी है और वहां रिलीज हो चुकी है, यानी कि जब तक ये अब फिल्म फेस्टिवल से नहीं निकलती तब तक इसका ओटीटी रिलीज नहीं होगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसके जो क्रिएटर्स हैं और अदा शर्मा जो इसकी लीड एक्ट्रेस हैं, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि ओटीटी रिलीज तो इसका 2023 में ही होगा और बाय द एंड ऑफ ईयर हो जाएगा, यानी दोस्तों आपको दिसंबर के मंथ में मोस्ट लाइकली द केरला स्टोरी मूवी देखने को मिल जानी चाहिए। इसके साथ दोस्तों जोड़ी मूवी, जो कि एक पंजाबी मूवी है, इसका इंतजार आप में से काफी सारे लोग कर रहे हैं, और इससे रिलेटेड एक नई अपडेट निकल कर आ रही है, क्योंकि जोड़ी मूवी के जो क्रिएटर हैं और जो इनके एक्टर हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे रिसेंटली एक स्टोरी डाली थी जिसमें उन्होंने लिख दिया था जोड़ी इज रेडी टू रिलीज ऑन ओटीटी, यानी कि जोड़ी मूवी का अब रिलीज ओटीटी पर प्लान किया जा रहा है। ऑलमोस्ट रिलीज को 1 साल होने वाला है और अब ये एक अपडेट निकल के आई है, और इससे पहले ही मैं आपको ये अपडेट तो दे ही चुका हूं कि ओए मखना मूवी का टीवी प्रीमियर होने जा रहा है 19 नवंबर को। तो जोड़ी और ओए मखना ये एक ही टाइम के आसपास रिलीज हुई दोनों पंजाबी मूवीज थी, जहां अब ओए मखना को 19 नवंबर को टीवी रिलीज किया जाएगा, जोड़ी का ओटीटी रिलीज भी प्लान हो रहा है। जैसे ही कोई और नई अपडेट आएगी इससे रिलेटेड वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा मस्ताने मूवी, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ऑलरेडी चौपाल टीवी ने कंफर्म कर दिया है कि ये मूवी
9 नवंबर को चौपाल टीवी पे पंजाबी लैंग्वेज में रिलीज हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों एक मराठी मूवी जिसका नाम है आत्मा पैम्फलेट, इसकी रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है। ये मूवी थोड़े टाइम पहले सिनेमाज में रिलीज हुई थी और अब इसका ओटीटी फाइनलाइज हो चुका है और इस मूवी को दोस्तों अब रिलीज किया जाएगा 6 नवंबर को Z5 के प्लेटफॉर्म पे और बुक माई स्ट्रीम शो के प्लेटफॉर्म पे भी उसी टाइम पे रिलीज किया जाएगा। और दोस्तों फिलहाल जो न्यूज निकल के आ रही है वो ये है कि ये रेंटल पे रिलीज होगी, लेकिन आत्मा पैम्फलेट मराठी मूवी अब आपको देखने को मिलने वाली है। इसके साथ सैयार मोरे रे, ये एक मराठी मूवी है जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे, इसकी रिलीज डेट भी फाइनल हो चुकी है। और दोस्तों मैं यही बता दूं कि इस मूवी को जोजो की ऐप पे रिलीज किया जाएगा 25 नवंबर को। और इसी के साथ दोस्तों अब बात कर लेते हैं लियो मूवी की, जिसका आप लोग काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों लियो मूवी की एक कंफर्म्ड अपडेट निकल कर आ चुकी है कि मूवी का प्लान हो रहा है नेटफ्लिक्स पे रिलीज का 16 नवंबर को। जी हां दोस्तों, लियो मूवी नेटफ्लिक्स पे ओटीटी प्रीमियर करने जा रही है 16 नवंबर को, और 16 नवंबर को अगर नहीं आती तो आएगी 18 नवंबर को। हालांकि जो इसकी र्यूमर डेट है वो 16 नवंबर ही है, और जो इसका पहला ओटीटी प्लान था इसके रिलीज करने का वो एक्चुअली 18 नवंबर है। तो 16 से 18 नवंबर के बीच में इससे रिलेटेड आपको अपडेट सुनने को मिल जाएगी, लेकिन इसे अब हिंदी में रिलीज किया जाएगा या नहीं इससे रिलेटेड अभी तक कोई भी अपडेट मेरे पास नहीं आई है। लेकिन हाई चांसेस हैं कि मूवी हिंदी के साथ ही रिलीज होगी, और अगर ये हिंदी के साथ रिलीज नहीं होती है तो आपको 3 हफ्ते का और वेट करना पड़ सकता है जिसके बाद ये हिंदी में रिलीज हो जाए। लेकिन 99% जब मूवी रिलीज होगी नेटफ्लिक्स पे, ये हिंदी डब्ड के साथ ही रिलीज होगी। इसके साथ दोस्तों सकांदा मूवी को लेकर आप लोगों के काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि मूवी साउथ इंडियन लैंग्वेज में डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे अब रिलीज हो चुकी है, और सकंदा मूवी को लेकर आप लोग काफी एक्साइटेड थे, इसे देखना चाहते थे, लेकिन अभी भी इसकी अपडेट नहीं आई है। तो मैं आपको ये बता दूं कि सकंदा मूवी की अपडेट जो मेरे पास निकल के आ रही है मीडिया हाउसेस की तरफ से, वो ये है कि 3 वीक के बाद, अब से लेके 3 वीक के बाद इसके हिंदी डब्ड वर्जन को डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज किया जा सकता है। लेकिन अफकोर्स जैसे कि मैंने कहा, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन हाई चांसेस हैं कि ऐसा होने वाला है। तो अब देखना पड़ेगा, 3 वीक का इंतजार करो, सकंदा मूवी का हिंदी डब्ड वर्जन भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक मूवी जिसके लिए आप लोगों के मेरे पास मैसेजेस आने चालू हो चुके हैं, वो है 12th Fail की 12th Fail मूवी कब रिलीज होगी, क्योंकि सिनेमाज में बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके साथ इसका फीडबैक भी बहुत अच्छा है, मार्केट से रिव्यू भी बहुत अच्छा है, और विक्रांत मासे की ये कमिंग ऑफ एज ड्रामा मूवी है जहां कैसे एक पढ़ाई में नलायक लड़का दुनिया बदलने निकल पड़ता है, ये कहानी आपको देखने को मिलेगी। और विधु विनोद चोपड़ा इसके जो है वो क्रिएटर हैं। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक जो मेरे पास न्यूज निकल के आई है वो ये है कि इसके जो ओटीटी राइट्स हैं वो Z5 के पास हैं, और ये इसका प्रोडक्शन हाउस भी जी स्टूडियो है, और इसके जो ओटीटी राइट्स हैं वो भी Z5 के पास हैं, और Z5 अभी इसे कम से कम 3 महीने रिलीज करने के प्लान में नहीं है, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे सिनेमा में जाकर देखें। लेकिन हमने पहले भी ऐसा फील किया है कि कई बार ओटीटी प्लेटफॉर्म बोल देते हैं कि हम इतनी जल्दी रिलीज नहीं करेंगे, और जैसे ही अपना टाइम धीरे धीरे मूव होता है वो रिलीज कर देते हैं। तो यानी कि, और ऐसा हुआ था लाल सिंह चड्ढा के केस में, क्रिएटर्स ने बोल दिया था 6 महीने तक रिलीज नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे महीने ही उसे रिलीज कर दिया था। तो अब जो मेरे पास न्यूज है उसके हिसाब से 12th Fail मूवी आपको दोस्तों एंड ऑफ दिसंबर में Z5 के प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी तक इसे कंफर्म मान के मत चलना, कंफर्मेशन धीरे धीरे जैसे मेरे को आ जाएगी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। तो दोस्तों ये थी मेरी एक क्विक अपडेट, जहां पर कुछ मूवीज मैंने कवर कर दी हैं। मुझे पता है लिस्ट बहुत लंबी है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं, आप कमेंट्स करते रहिए, मैं कोशिश करता रहूंगा कि आपके लिए उन अपडेट्स को लाने की कोशिश करूं। तो ये था मेरा एक क्विक वीडियो, अंटिल आई कैट द नेक्स्ट वीडियो, इट्स गुड बाय फ्रॉम ट्यूब टॉक।